नमस्कार दोस्तों, मैं नितीश, स्वागत करता हूं आपका फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे आधार के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आधार प्रिंट के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, जब आधार बना था तो बहुत लोगों के पास आधार बाई पोस्ट UIDA ने उनके घर तक भेजा था, बहुत के पास वो नहीं पहुँचा था, जिनमें से मैं भी एक हूँ जिसके पास मुझे मैनुअली ही जाके किसी साइबर कैफे से निकलवाना पड़ा था। तो अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया है या आपको आधार कार्ड निकलवाने में परेशानी हो रही है तो सिंपली आप आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको किसी कैफ़े या किसी शॉप से ऑर्डर नहीं करना है, बल्कि ये ऑर्डर आप ऑनलाइन कर सकते हैं आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो क्या है पूरा प्रोसेस, मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, आधार रिप्रिंट एक पेड सर्विस है। अगर आपका आधार लॉस हो गया है या आप किसी वजह से आधार नहीं निकलवा पा रहे हैं, हो सकता है कि आपका नंबर उसमें लिंक ना हो या आपकी ईमेल आईडी उसमें लिंक ना हो, वजह चाहे कोई भी हो, आप चाहें तो आप घर बैठे भी आधार का रिप्रिंट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ आपको बस आधार का अपना आधार नंबर देना है, या आप अपना वर्चुअल आईडी भी यूज कर सकते हैं, और आप कोई भी एक मोबाइल नंबर उसमें डाल सकते हैं और आधार के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो जाने कैसा है पूरा ये प्रोसेस, मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बिना समय गवाए। चलिए देखते हैं कैसे है ये पूरा प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्लॉग पे मैंने पोस्ट भी डाला हुआ है कि ऑनलाइन आधार कार्ड रिप्रिंट के लिए ऑर्डर कैसे करेंगे। तो इस पोस्ट का लिंक मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर मैंने आधार रिप्रिंट के लिए UIDAI की लिंक दी हुई है, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधा आधार ऑर्डर रिप्रिंट के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे बस आपको अपना आधार नंबर या आप चाहें तो वर्चुअल आईडी का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आधार नंबर पे को रखूँगा। यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड इंटर करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं और कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारे स्क्रीन पे कैप्चा कोड शो हो रहा है। और चूंकि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, और आप कोशिश करें कि आप अपना ही मोबाइल नंबर दें वहाँ पे। फिर यहाँ से हम सेंड OTP के लिए क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आधार के द्वारा UIDAI की वेबसाइट से आ जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम OTP का। लीजिए, OTP हमारे पास आ गया है, तो हम इस OTP को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये मैंने OTP इंटर कर दिया। यहाँ टर्म एंड कंडीशन को चेक कर देंगे, फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आधार का प्रीव्यू यहाँ पे शो हो गया है। अब हम यहाँ से सीधा मेक पेमेंट पे जाएंगे, और हम ये रिडायरेक्ट हो रहे हैं पेमेंट गेटवे पे। अब आपको यहाँ से कार्ड्स का ऑप्शन यूज करना है। जैसे कि आप अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, तो मैं UPI चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना UPI। इसको फिर करेंगे हम वेरीफाई। ये देखिए, ये आ गया मेरा UPI, और हम करेंगे इसको प्रोसीड। तो देखा आपने कि कितना आसान है आधार को रिप्रिंट करवाना।